सो स्टूडेंट्स, नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है. सो इसको मैं पहले आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी कि कैसे हमारी बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेट होता है. एक डायग्राम हमारी बुक में भी दिया है, दिस वन, और एक डायग्राम मैंने बनाया है, उसके थ्रू मैं आपको बताती हूँ. सो स्टूडेंट्स, लुक हियर, ये क्या है हमारा हार्ट, दिस इज अवर हार्ट. ओके, एक्चुअल में हमारे हार्ट की शेप यही होती है. तो इधर मैंने आपको बताया था 4 चैम्बर्स होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, ये क्या है हमारे 4 चैम्बर्स. ये है हमारा अपर लेफ्ट सेक्शन, मतलब लेफ्ट साइड जो होता है वो है ऊपर वाला सेक्शन है, नीचे है लोअर लेफ्ट सेक्शन हार्ट का. इधर है अपर राइट सेक्शन, मतलब ऊपर वाला राइट साइड वाला सेक्शन, और ये क्या है लोअर राइट सेक्शन ऑफ द हार्ट के नीचे वाला राइट सेक्शन जो हमारे हार्ट में है. अब क्या होता है हमारी बॉडी में, क्या होता है जो अपर राइट सेक्शन है, यहां पर ब्लड आएगा कहां से, यहां पर ब्लड आएगा लंग्स से. ठीक है, यहां पर प्योर ब्लड आ जाएगा कहां से, लंग्स से. हमारे लंग्स में ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है यहां पर आएगा. अपर सेक्शन जो है उसको क्या करेगा, नीचे लोअर सेक्शन में भेज देगा. कहां पर भेज देगा, लोअर नीचे वाले सेक्शन में भेज देगा. देन वो फिर इधर से कहां चला जाएगा, हमारी होल बॉडी में. कहां पर जाएगा, पूरी बॉडी में, हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में. यहां से वो हमारी आर्टरीज के थ्रू चला जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ हमारा टॉपिक ये वाला, जो मैंने अभी आपको फर्स्ट टू स्टेप्स बताए हैं, कि हमारा ये क्या है अपर लेफ्ट सेक्शन, यहाँ पर लंग्स से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और वो कहाँ जाएगा, हमारे नीचे लोअर लेफ्ट सेक्शन में जाएगा हार्ट वाले में. फिर हार्ट की यहाँ पर लोअर सेक्शन से वो कहाँ पर चला जाएगा, हमारे होल बॉडी में, पूरी बॉडी में वो क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, वो ब्लड पूरी बॉडी में चला जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, पूरी बॉडी में चला गया, और वो पूरी बॉडी में जो ब्लड गया वो वापस कैसे आएगा, वो वापस आएगा वेन्स की हेल्प से. और वेन्स की हेल्प से वो कहाँ पर आएगा, पहले अपर राइट सेक्शन में. वेन्स की हेल्प से पूरी बॉडी से कहाँ पर आएगा, अपर राइट सेक्शन में आएगा. और फिर उसके बाद अपर राइट सेक्शन से वो कहाँ चला जाएगा, लोअर राइट सेक्शन में चला जाएगा. अपर राइट सेक्शन से वो कहाँ पर जाएगा, लोअर राइट सेक्शन में चला जाएगा. अब उस ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है. तो ये बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है अब कहाँ चला जाएगा, हमारा लंग्स में. कहाँ चला जाएगा, हमारा लंग्स में चला जाएगा, ताकि वहां पर दोबारा जो है उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो. बिकॉज हम इनहेल करते हैं, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन अंदर जाती है ना, लंग्स में जाती है, तो अब वहां पर जब ये ब्लड जाएगा तो वहां से ऑक्सीजन को कैरी कर लेगा, और कैरी करके दोबारा कहाँ पर आएगा, पहले लेफ्ट सेक्शन में. जब वो ऑक्सीजन कैरी कर लेता है तो लेफ्ट सेक्शन में आता है, तो लेफ्ट सेक्शन में आकर फिर वो जाएगा लोअर लेफ्ट सेक्शन में, फिर दोबारा होल बॉडी में चला जाएगा. पूरी बॉडी से जब ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी, इम्प्योर ब्लड कहाँ पर आएगा, राइट सेक्शन में. राइट सेक्शन से फिर दोबारा किस में जाएगा, लोअर राइट सेक्शन में. और फिर लोअर राइट सेक्शन मतलब यहां पर जो ब्लड आया उसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, इम्प्योर है, तो दोबारा कहाँ जाएगा, हमारा लंग्स में. तो ये प्रोसेस इस टाइप से ही कंटिन्यू जो है चलती रहती है, और हमारा ब्लड जो है सर्कुलेट होता रहता है. नाउ इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है. सेम है जो मैंने अभी प्रोसेस आपको बताई, क्या है, अपर लेफ्ट सेक्शन मींस दिस वन, ये अपर लेफ्ट सेक्शन सेंड्स प्योर ब्लड टू, प्योर ब्लड कहाँ भेजती है, लोअर लेफ्ट सेक्शन ऑफ द हार्ट, लोअर लेफ्ट सेक्शन ऑफ द हार्ट में भेज देती है. फिर वो क्या करती है, पंप्स ब्लड टू, अब ये पंप करती है, कहाँ पे भेजती है ब्लड को, होल बॉडी में, पूरी होल बॉडी में. अब होल बॉडी से क्या होता है, जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड यूज हो गया, मतलब ऑक्सीजन नहीं रही उसमें, यानी कि वो क्या हो गया, ब्लड इम्प्योर, ब्लड इम्प्योर ब्लड हो गया. तो इम्प्योर ब्लड अब दोबारा जो है कहाँ जाएगा, होल बॉडी से,
अपर राइट सेक्शन, मतलब होल बॉडी से कहां पर चला गया, अपर राइट सेक्शन, किसकी हेल्प से, और वेन्स की हेल्प से। फिर अपर राइट सेक्शन उसको कहां पे भेजेगा, लोअर राइट सेक्शन में, मतलब लोअर राइट सेक्शन में उसको भेज देगा। फिर उसको क्या करेगा लोअर राइट सेक्शन, पंप्स इम्प्योर ब्लड टू लंग्स, ये क्या करेगा पंप कर देगा कहां पर, लंग्स में हमारा इम्प्योर ब्लड जो है भेज देगा, ताकि वो वहां से दोबारा क्या कर सके, ऑक्सीजन को लेकर आ सके। सो स्टूडेंट्स, इस टाइप से हमारा जो बॉडी में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। आई होप अब आपको ज्यादा क्लियरली जो है पता लग गया होगा कैसे हमारी बॉडी में जो है ब्लड का सर्कुलेशन होता है। दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन आवर ह्यूमन बॉडी। नाउ स्टूडेंट्स, हमने अपनी फोर्थ क्लास में रीड किया था ना कि ब्लड सर्कुलेशन किसने डिस्कवर किया था, विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने कब किया था, 1628 में क्या किया था, बताया था कि जो है ब्लड सर्कुलेशन होता है ह्यूमन बॉडी में, और किसने बताया था, विलियम हार्वे ने। नाउ स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस जोन फोर अपर डायग्राम ही आपको यहाँ पर जस्ट कंप्लीट करना है। सो दिस इज योर आईपी। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आफ्टर दैट दिस इज डू एंड डॉक्यूमेंट टू। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इजी एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक बलून लेना है, एक बलून लेना है, दो स्ट्रॉज लेने हैं आपको, आपको दोनों स्ट्रॉज को बलून के अंदर डालना है। ओके, आपको दोनों स्ट्रो को क्या करना है, बलून के अंदर डालना है और उसको रबर बैंड से टाई कर देना है, मतलब जो अपर एंड है बलून का उसको रबर बैंड से टाई कर देना है। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट जो है स्ट्रो, जो हमारा लेफ्ट वाला स्ट्रो है, ठीक है, उस पर तो आपको क्या रख लेना है, थंब रख लेना है, और राइट वाले स्ट्रो की हेल्प से 1 या 2 कप्स वाटर बलून के अंदर डालने हैं। ठीक है, नाउ दोनों थंब से अब आपको क्या करना है, स्ट्रो को बंद करना है। ठीक है, देन उसके बाद स्क्वीज, दबाना है बलून को और वाटर जो है आउट आना चाहिए किससे, लेफ्ट वाले साइड से। ठीक है, और ये एक्टिविटी आपकी क्या है, रिगार्डिंग टू हार्ट, कि हार्ट का फंक्शन कैसे होता है। नाउ अब आपको देखना है कि भी कौन सी चीज क्या प्ले करी, हार्ट क्या था इसमें, आर्टरीज कौन बनी, वेन्स कौन बना, ब्लड क्या था। ठीक है, मैं फिर भी थोड़ा सा आपको हिंट दे रही हूँ, हार्ट क्या था, ब्लड क्या था, इन टू के फंक्शंस आपको फाइंड करने हैं। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट डिड यू लर्न अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉम द एक्टिविटी, कैसे आपने क्या लर्न किया, आपको अपनी थिंकिंग इसमें जस्ट राइट करनी है, आपको ये नहीं है कि आपको करना ही है, यू जस्ट ट्राई इट। ठीक है, आप ट्राई करेंगे तभी तो आपको कुछ आएगा ना, सो ट्राई इट, अगर नहीं होगा तो मैं आपको क्लास में करवाऊंगी एक्टिविटी। ओके, डेफिनेटली हम क्लास में एक्टिविटी करेंगे परफॉर्म। नाउ नेक्स्ट, अब हमारा जैसे आपको पता स्टूडेंट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सो वी विल डू अवर रेस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन आंसर्स, जो हमारे ऑब्वियस में क्वेश्चन आंसर्स लेफ्ट हो गए हैं, अब हम वो करेंगे। सो फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स, दिस इज योर होमवर्क, यू विल ट्राई एंड टुमोरो आई विल गिव यू द आंसर्स। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन वी हैव डन, थर्ड ऑल्सो वी हैव डन, फोर्थ वन इज ऑल्सो, फिफ्थ सिक्स्थ इज डन, सेवेंथ क्वेश्चन इज ऑल्सो डन, एट्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन एंड टेंथ क्वेश्चन आई हैव गिवन आईपी टू यू, वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चन टुमोरो। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर आईपी, आप ये आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आंसर्स हैं, सो दिस इज योर आईपी। नाउ एप्लीकेशन पार्ट I will give it to you to tomorrow. Okay? So today's homework is you have to read your chapter very carefully and try to find all question answers of your observation part and revise your chapter. Done students? And please share your work. आप जो भी वर्क करते हैं प्लीज उनके क्लिप मेरे साथ शेयर कीजिए, सो दैट आई कैन चेक योर होमवर्क। ठीक है, आप मुझे होमवर्क सेंड करेंगे तभी तो मैं आपकी क्वेरीज बता पाऊंगी ना, सो प्लीज सेंड योर होमवर्क। गॉट इट?